प्यारे गुरुजी महाराज जी ने करवा लिया है आज अपना ग्रैंड वेलकम। और आज का हमारा सत्संग संगत जी है बिश्नाह में, जो कि जम्मू से 1 घंटे की दूरी पे है। और जब ट्रैफिक जाम हो तो और भी देर लग जाती है। तो हम पहुंच गए उस परिवार में, और परिवार में जो आंटी जी हैं उन्होंने आखिर में अपना बड़ा प्यारा सत्संग एक शेयर किया है कम ही शब्दों में, तो वो जरूर सुनिएगा। तो ये देखिए, गुरु जी वाला घर जाने की जय गुरु जी, जिस पर लिखा हुआ है। और बहुत ही प्यारा घर है ये, और प्यारा क्यों नहीं होगा भाई, जय गुरु जी जो लिखा है। तो आप भी बोलिए मेरे साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चलिए अंदर चलते हैं। जय गुरु जी, खुश हो आप बड़े, क्या बोल रहे हो आप? फर्स्ट टाइम क्या? फर्स्ट टाइम हो रहा है आपका बिश्नाह में, फर्स्ट टाइम हो रहा है। गुरु जी ब्लेस करेंगे आज बिश्नाह को भी। और कितने ग्रैंड वेलकम के साथ आए अंदर गुरु जी। बड़ा अच्छा लगा। गुरु जी के आने की खुशी संगतों के चेहरे पर ही संगत जी दिख जाती है। और आते ही हमने भी अपना बीड़ा संभाल लिया है, सभी अपनी अपनी सेवा पर लग गए हैं। संगत जी जिसको जो काम नज़र आता है तो वही करने में व्यस्त हैं। और चलिए हम चलते हैं किचन में जहाँ बनाया जाता है लंगर प्रसाद। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आप हलवा प्रसाद खुद बना रहे हो आज? हाँ जी। गुरु जी की इच्छा है भाई आपके हाथों से खाने की? दो दो आंटियां लगी हैं बनाने की। दो दो आंटियां लगी हैं भाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चाय बनती है? हाँ बनती है। बिश्नाह संगत जी बहुत ही प्यारी जगह है। और आज बिश्नाह की धरती पर पहली बार गुरु जी महाराज जी आए हैं। बिश्नाह का ये पहला घर है जहाँ गुरु जी महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है संगत जी। और यहाँ आज गुरु जी महाराज जी का सत्संग होगा, और पूरा बिश्नाह जो सिटी है सारी ब्लेस होगी। और सभी को मैं कहूँगी गुरु जी महाराज भरपूर उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और बीच बीच में मैं अटक भी जाती हूँ, क्योंकि रात के समय में मैं थोड़ी जल्दबाजी में संगत जी एडिटिंग करती हूँ, तो मे भी मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी सत्संग शेयर करना मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगतें जुड़ सकें। ये जो सेवा गुरु जी महाराज ने दी हुई है तो ये प्रचार की सेवा है, गुरु प्रचार की सेवा है। जैसे हर युग में देवी देवताओं का प्रचार होता था उनके समय पे, वैसे ही अब ये गुरु जी महाराज जी का युग है और उनका प्रचार हर जगह, हर धरती, आकाश, पाताल, दुनिया, देश, प्रदेश, हर जगह हो रहा है संगत जी, हर जगह हो रहा है। जिसको भी संगत जी पता चलता है ना कि आज गुरु जी महाराज जी का सत्संग है तो वो दौड़ा चला आता है, क्योंकि हर शख्स गुरु जी के साथ समय बिताना चाहता है। क्योंकि वो जान चुका है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, कितनी चेंजेस आती हैं, हमें जीना आता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, उनका ब्लेस लंगर प्रसाद खाने से हमारी रोग बीमारियां दूर होती हैं सत्संग अटेंड करने से। और जब इतने फ़ायदे होंगे गुरु जी के संग बैठ के समय बिताने में तो कौन नहीं चाहेगा उनके पास आना। और कल युग में तो इतनी आसानी से हमें इतने प्यारे गुरु जी महाराज मिल गए हैं, तो भला कोई कैसे दूर रहेगा संगत जी। देखिए संगत जी, ये जो प्रसाद हाथों में दिखा रही हैं शीतल आंटी, तो ये क्या है भाई? तो संगत जी मैं आपसे हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये क्यों ना करूँ। संगत जी गुरु जी महाराज जी के आगे प्रसाद रखा हुआ था, जिसमें ये पकौड़ा नैपकिन के अंदर लिपट के खुद बाहर आ गए, और एक पकौड़ा गिर के शीतल आंटी के हाथ में आ गया, जबकि वहाँ कोई भी नैपकिन प्लेट में नहीं रखा हुआ था। तो देखिए कैसे अजब गजब निराले दर्शन देते हैं गुरु जी। और ये इतनी क्यूट सी हरकत जो गुरु जी ने की है, तो उसमें उन्होंने बताया है संगत जी कि मैं हूँ, आपके साथ हूँ, और मैं सत्संग में आप सबके साथ, आपके सबके बीच में बैठा हुआ हूँ।
उन्होंने अपना एहसास कराया संगत जी, तो ऐसे प्यारे गुरु जी हमें और कहाँ मिलेंगे संगत जी। बहुत ब्लेस किया है प्यारे गुरुजी महाराज ने पूरे जम्मू शहर को और जम्मू के बाद अब उधमपुर को। तो यही कहूँगी मैं कि जो भी गुरुजी महाराज के बारे में नहीं जानते थे, आज वही लोग गुरुजी महाराज से इतने जुड़ गए हैं कि उनका नाम सुनते ही बस खुशी के मारे झूमने लगते हैं। और बस हर रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं, मुझे पूछते हैं आंटी जी कहाँ सत्संग है, कहाँ सत्संग। लेकिन जब घरों में सत्संग होता है तो मैं उनको नहीं इनवाइट कर सकती, तो इसलिए मैं हमेशा आप सबसे मैं संगत जी क्षमा मांगती हूँ। मुझे आवाज नहीं आई विष्णु वालों की। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज, पिछले एक डेढ़ साल से गुरु जी ने ये सेवा कराई थी। वैसे तो पहले से ही थे कनेक्टेड, पर जो सेवा सत्संग वाले गुरु जी ने
कराई शुरू संगत जी, 1.5 साल हो गया। तो कभी सोचा नहीं था कि गुरु जी कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, किन किन से मिलाएंगे और कौन अपना मिलेगा, कौन पराया मिलेगा। गुरु जी ने इतना कुछ दिखाया, भला बुरा भी सुनने को मिला। दरवाजे के पीछे बैठ के रो भी लेते थे जब गुरु जी के नमस्कारों को, चमत्कारों को नमस्कार करते थे और लोग कहते थे झूठ बोलती हैं। लेकिन गुरु जी ने हर जगह जीत कराई संगत जी, और अब हम कहते हैं गुरु जी बड़े चमत्कार देख लिए, अब जिंदगियों में चमत्कार कर दो संगत जी। तो आज गुरु जी महाराज बिश्नाह में आए हैं, तो इतने प्यारे उन्होंने दर्शन दिए। आते हैं जो पहले अपना स्वागत कराया संगत जी, अनबिलीवेबल, वो हम भूल ही नहीं सकते कि कैसे बैंड बाजों से गुरु जी आए हैं। वही आएंगे क्यों नहीं, पहली बार जो आए बिश्नाह में तो पहला कर ड्रेस किया है। गुरु जी ने बड़े प्यारे दर्शन यहाँ भी दिए हैं, जो बैलून फटा और वो तो चलो आम एक बात था संगत जी, बैलून फटना। लेकिन ये जो आप देखोगे ये सदरूम के बिल्कुल सेंटर में यहाँ यहाँ बॉर्डर है, पूरा गुरु जी का फेस बना हुआ है। हो गया आंटी आपको दर्शन? भाई मैं कटरा की आंटी है, मेरी माँ है एक्चुअली, बचपन में हमने इनके घर से कंजके बजवाई है भाई। तो सभी को दर्शन हुए तो संगत जी इसलिए जोर से बाजी लगानी है, खुशी वाली बाजी लगानी है। यकीन मानिए संगत जी, वो मंगिया पूरा पुराना पूरी होती है गुरु जी की दरबार में। असंभव को भी संभव करते हैं गुरु जी, बस एक बार आप विश्वास बना के देखें। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज बिश्नाह की धरती को भी गुरु जी हमने ब्लेस कर दिया है, और जितने भी संगत आपके दरबार में गुरु जी महाराज आइए, बिन मांगे उनको सब मिलना चाहिए। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि आप जब मिलने आके बैठती हो ना, तो मैं आपके एक्सरे कर लेता हूँ, तो उसे मांगना नहीं है, उनको पता है आपको क्या क्या चाहिए, मांगो नहीं मनो, तो गुरु जी आपको सब देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और लंगर प्रसाद को संगत जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो भी सारी ब्लेसिंग है ना वो लंगर प्रसाद से ही आएंगी, जो आपके कष्ट है ना उसी से कटेंगे। तो इसीलिए सेवादारों से भी हाजिर की बिनती है कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लंगर प्रसाद डाले, मैंने अंदर देखा दो दो बटोरे डालने, फिलहाल आप एक एक ही डालो, जिसको और चाहिए होगा वो ले लेगा, क्योंकि अनादर नहीं करना। जय गुरु जी, बता दें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आंटी जी आओ, आप शुक्राना करो गुरु जी महाराज को, इतने प्यारे प्यारे गुरु जी ने दर्शन दिए, ब्लेस किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना। कैसे मतलब पहली बार जैसे आपने ये गुरु जी महाराज को बिश्नाह की धरती पे आज पहली बार ये ब्लेसिंग्स मिली है, ब्लेसिंग उनकी वो भी पैसा शेयर करो ना। लेकिन कैसे जुड़े आप? मेरे हस्बैंड बीमार थे कोरोना में, तो मेरी मासी ने बोला कटर इन्होंने बोला की इनका ना मंत्र जाप करना, मेरे को पता नहीं था, फिर मैं उनका मंत्र जाप करते रहती थी उनकी पैसे गुरु जी की। तो संगत जी देखा महामंत्र का क्या क्या फायदा है, महामंत्र ने कैसे जिंदगी बदल दी। हम तो बीमार थे ड्यूरिंग कोरोना टाइम, और गुरु जी ने महामंत्र से ही उनको पूरा ठीक कर दिया, तो कितनी ताकत है। तो सभी जोर से बोलेंगे मेरे साथ, प्यार से, जोर से लेकिन प्यार से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, कुछ बोलना चाहोगे आंटी? जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो आंसू भी गुरु जी लाते हैं संगत जी, तो महामंत्र के जप लीजिए, दुख में हो तकलीफ में हो, बीमार हो परेशान
डिप्रेशन में हो, डायबिटिक हो, कैंसर का रोग है, कुछ भी जब की प्रॉब्लम है ना, तो सिर्फ और सिर्फ महामंत्र जप लीजिए तो देखिएगा कमाल। मेरा मोर न कोई सहारा है, सहारा है, सहारा, हर दम मैं तेनु पुकारा है, पुकारा है, मेरा मोर न कोई सहारा है, हर दम मैं तेनु पुकारा है, पुकारा है, जी जय शिव।